हेलो गाइस, मैंने सुबह भी एक बनाया अपना इंट्रो व्लॉग, और वापस अभी मैं सेम टी शर्ट पहना है और सेम उसी में मैं एक वीडियो बनाने लगी हूँ। एक्चुअली मैंने अभी एक वीडियो देखी है, तो उसे देखकर इतने दिनों से मैं बार बार कह रही थी कि मैंने इतनी मेहनत की, 1 साल मैंने मेहनत किया है और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये बातें मैं ब्रोज कह रही थी, और सच बताऊं तो ये सोच सोच कर मैं काफ़ी दिनों से, आप खुद देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन्स ले रही हूँ, पूरी पूरी रात नहीं सोती कि मैं क्या करूँ। लेकिन कहते हैं कि आप बहुत दुखी हो, हमेशा आप अपनी अपनी तकलीफ़ को देखते हो, अपने आसपास की चीज़ें नहीं देखते, और कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको एक सीख दे जाती है, जो आपको एक कह लीजिए कि एक आपकी जो विल पावर होती है उसको स्ट्रांग कर जाती है, आपको एक कॉन्फिडेंस दे जाता है कि यार हम क्यों परेशान हैं, हमारी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं है और हम इतने कमज़ोर क्यों हैं। तो मैं बात कर रही हूँ प्रीति की। प्रीति एक यूट्यूबर जिन्हें जिनके वीडियोस में काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, इवन उनके ब्रदर की जो वीडियो है, यूट्यूबर दीपक शर्मा उनके वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूबर प्रियंका, ये सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, मैं इनके सारे सबके वीडियोस देखती हूँ और सारे बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि सभी हार्ड वर्क करते हैं, सभी अच्छे यूट्यूबर हैं, तो इसमें बात क्या हुई, मैं ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। तो रीज़न ये है कि मेरी एक आदत है कि मैं चाहे जिस चैनल को सब्सक्राइब करूं ना करूं, या फिर जिस पे कमेंट करूं ना करूं, लेकिन मैं देखती ज़रूर हूं क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स को तो देखकर ही मैं आज इतना भी करना सीखी हूं, जैसे प्रियंका हो गई, सुमौली हो गई, और ये सारे इन लोगों को देख देख कर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं इसलिए जुड़ी रहती हूँ और मैं सबके वीडियोस देखती हूँ, इसलिए देखती हूँ कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, हो सकता है मेरे चैनल में जो कमी है, इन सीनियर्स जो भी मेरे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, इतने हार्डवर्क करते हैं, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ देख कर। तो ऐसे ही मैं प्रीति को भी फॉलो करती थी और उनके भी वीडियोज़ देखती हूँ, इन लोग के वीडियोज़ इतने अच्छे होते हैं, नेचुरल, बिल्कुल जो इंडिया की खूबसूरती है वो मुझे इनके घर में, इनके फैमिली में दिखती है। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि जो प्रीति है, प्रीति के चैनल का नाम पता नहीं अचानक चेंज हो गया, तो मुझे लगा कि क्या हुआ, और उनके सब्सक्राइबर में मुझे काफ़ी कम नज़र आए क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और अचानक ऐसा, तो थोड़ा मैं शॉक में। तो अचानक मैंने एक वीडियो देखा अभी जिसमें प्रीति ये कह रही थी कि किसी भी कारणवश हो सकता है कोई चैनल में प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हो गया, तो वो उस पे काम करना उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइफ ऑफ प्रीति। तो ये चैनल को उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, फिर मैंने उस पर देखा कि अरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, अभी ये 12,000, 10 to 12,000 सब्सक्राइबर कैसे पहुँच गए। तो वो अपने ऐसी वीडियो में वो बता रही थी कि मतलब किसी जो भी रीज़न रहा हो, उस वजह से उस चैनल पे जो उनका ओल्ड चैनल है उस पे काम करना उन्होंने बंद कर दिया है और अब उन्होंने नए सिरे से दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। तो मुझे, और वो बिल्कुल पॉजिटिव थी, उनका फेस बिल्कुल पॉजिटिव था, और जबकि वही मैं ये सोचने लगी कि जब मैंने अभी मेरा चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो मैं इतनी परेशान हूँ, जिस इंसान ने इतनी मेहनत की होगी इतने सालों से और जिन्होंने इतनी कामयाबी पाई होगी, अगर उनको नए सिरे से काम करना पड़ रहा है और वो परेशान नहीं हो रही हैं, तो फिर मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रीति, मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि आप जैसे जो हार्डवर्क करने वाले होते हैं ना, उनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रहती, वापस आप उसी पोजीशन पे पहुँच जाओगे, और आई थिंक उससे बेहतर, क्योंकि मैंने बोला ना, आप लोग बहुत हार्डवर्क करते हो और आपकी चीज़ों में क्वालिटी होती है, एक मैसेज देती है हम लोगों को कि कैसे फैमिली में यूनिटी बनाकर रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगी कि प्रीति के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रीति लाइफ ऑफ प्रीति, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और
मतलब मैं यही कहूँगी, और एज ए फ्रेंड मैं बस ये छोटी सी एक चीज़ कह रही हूँ कि प्रीति के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उनके जो चैनल के वीडियोस होते हैं बहुत ही ऑसम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और वो बहुत हार्डवर्क करती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट हर। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आज प्रीति आपकी वजह से मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है, जो मैं इतने दिन से परेशान थी, इतने दिन से बीमार हो रही थी, इतने दिन से मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे सारे सब्सक्राइबर देख रहे थे मेरे वीडियोस कि मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेस थी, और मतलब यहाँ वहाँ सब जगह हेल्प मांग रही थी लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। तो मतलब मुझे लगता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना हार्डवर्क करते रहना चाहिए। और फिर से जब आपने जो अच्छा मैसेज दिया है कि कभी भी हमें तकलीफ़ में परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश रहना चाहिए, और खुशी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो प्रीति बेस्ट ऑफ लक, और आप फिर से उसी ऊंचाई पे जाओगे, और आपके चैनल के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर को भी ये कह रही हूँ, उनके चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, और इनको मैं फिर उसी पोजिशन पर देखना चाहती हूँ। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। एंड प्रीति डोंट वरी, बिकॉज आप जैसा काम करते हो उसे तो सब्सक्राइबर ऐसे ही आपको ढूंढकर वापस चले आएंगे आपके पास। तो तब तक के लिए बाय बाय।